बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल मुस्लिम लाइफ इन यूरोप। आज मैं आपके साथ कुछ अहदीस शेयर करने जा रही हूँ। सही बुखारी की हदीस किताब ईमान से रिलेटेड है। ये ऐप बहुत अच्छा ऐप है, जैसा कि देख रहे हैं हदीस है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस्लाम की बुनियाद पांच चीज़ों पर कायम की गई है। अव्वल, गवाही देना कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और बेशक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे रसूल हैं, और नमाज़ कायम करना और ज़कात अदा करना और हज करना और रमज़ान के रोज़े रखना। ये सही बुखारी की हदीस है, हदीस नंबर 8, यानी इसका रेफरेंस नंबर ये है। इसके अलावा हदीस नंबर 9 है हमारे पास, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ईमान की 60 से कुछ ऊपर शाखें हैं, और हया यानी कि शर्म भी ईमान की एक शाख है। इसके अलावा एक और हदीस मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, हदीस नंबर 11 सही बुखारी। लोगों ने पूछा, या रसूलुल्लाह कौन सा इस्लाम अफजल है? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो जिसके मानने वाले मुसलमानों की ज़ुबान और हाथ से सारे मुसलमान सलामती में रहें। हदीस नंबर 15 है ये, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से कोई शख्स ईमानदार ना होगा जब तक उसके वालिद और उसकी औलाद और तमाम लोगों से ज़्यादा उसके दिल में मेरी मोहब्बत ना हो जाए। जी व्यूवर्स, जैसा कि आपने हदीस सुनी है, होपफुली आपको मेरा चैनल अच्छा लग रहा होगा। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए मेरी वीडियोस को, कमेंट कीजिए, अपना फीडबैक अपने रिव्यूज़ कमेंट के ज़रिए मुझे दीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ मेरी वीडियोस को, साथ ही मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। और इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।